एडजस्ट असिमेट्रिक मीन्स लेट जी इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई बी अ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टाइसिस देन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए ए इज इक्वल्स टू ए आई जे दिस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एडजस्ट असिमेट्रिक्स बट इसको एडजस्ट असिमेट्रिक्स कब बोलेंगे इफ दिस ए आई जे वैल्यू इज वन इफ द एज फ्रॉम वी आई टू वी जे इज प्रेजेंट इन जी अदरवाइज इट इज ए जीरो. फॉर एग्जाम्पल अब ये एडजस्ट असिमेट्रिक्स ये एक सिंपल कंसेप्ट है इसका अगर मैं एक डायग्राम निकालती हूँ दिस इज आवर वर्टेक्स ए बी सी डी ये डायरेक्टेड ग्राफ है और इस डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमें क्या करना है एडजस्ट असिमेट्रिक्स फाइंड आउट करना है किस तरह से रहेगा. सो एडजस्ट असिमेट्रिक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं वी रिक्वायर द एडजस्ट असिमेट्रिक्स. सो ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स में यहाँ पे आउटसाइड में ए बी सी डी जितने भी वर्टेक्स है वो यहाँ पे लिख दिया सिमिलरली ये कॉलम के अंदर. अब चेक करो ए से ए जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है क्या मतलब पूरा रास्ता नहीं डायरेक्टली ए टू ए एज है क्या ऐसा ए कॉमा ए एज इसके अंदर कंटेन है क्या तो नहीं है. ए टू ए मतलब क्या होता है लूप इसके अंदर कंटेन नहीं है सो ये आएगा जीरो. ए टू बी एज प्रेजेंट है क्या ए कॉमा बी एज इज प्रेजेंट ए बी ये वाला एज है इसमें सो इट इज ए वन. ए टू सी प्रेजेंट है क्या एज ए कॉमा सी चेक करो डायग्राम में और ए ए कॉमा सी एज डायग्राम में है क्या नहीं है सो इट इज ए जीरो. ए टू डी तो यस ए टू डी यहाँ पे प्रेजेंट है सो इट इज ए वन. जो एज उसके अंदर प्रेजेंट है उसके लिए लोगे वन और नहीं है तो फिर जीरो. वैसे ही आ जाओ बी से बी से ए तो यस बी टू ए यहाँ पे एज प्रेजेंट है ऑर्डर पेयर अगर बी कॉमा ए लेते हैं तो दैट मीन्स बी टू ए तो बी टू ए ये वाला एज प्रेजेंट है. ये पाथ की बात नहीं कर रहे वो क्या बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो एज प्रेजेंट है क्या. देखो बी टू बी लूप नहीं है बी टू सी यस बी टू डी नहीं है. सिमिलरली सी से चेक करो सी टू ए आ सक सी टू ए देखो तो एज है क्या सी कॉमा ए नहीं है सो जीरो. सी टू बी यस नाउ सिमिलरली सी टू सी भी यहाँ पे लूप नहीं है और सी टू डी यस डी टू ए यस डी टू बी जीरो डी टू सी वन डी टू डी जीरो. सो ये जो हमने फॉर्म किया दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखो ड्रॉ डायग्राम फॉर गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स. ये जो आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 4x4 तो यहाँ पे आप फोर वर्टेक्स कोई भी ले सकते हो जो आपको लेबलिंग करना है वो लेबलिंग कर सकते हो. तो सपोज मैं यहाँ पे ए बी सी डी ले लेती हूँ अब आपको क्या करना है इसका डायग्राफ बनाना है. क्या इन्होंने लिखा है ए बी से कितना सेंटीमीटर लेना है कुछ नहीं लिखा है. यहाँ पे पूरे पेज के अंदर आप ए बी सी डी आपकी मर्जी वहां पे ले सकते हो. तो जरूरी नहीं कि आप रेक्टेंगल के फॉर्म में लो या फिर स्क्वायर के फॉर्म में लो या फिर कैसे. तो आप चार पॉइंट को बस ऐसे लिखो कि आप लोग डायग्राम निकालोगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक लगना चाहिए. तो उसके इसलिए मैं क्या करती हूँ दो वर्टेक्स ऊपर दो वर्टेक्स नीचे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ. नाउ अब मैं आऊंगी पहले रो के ऊपर ए से ए कनेक्शन है क्या जीरो लिखा है मतलब नो कनेक्शन. ए टू बी नो कनेक्शन. ए टू सी तो यहाँ पे वन लिखा है मतलब ए टू सी जाने के लिए यहाँ पे पाथ है ड्रॉ कर दिया. अब नेक्स्ट है ए टू डी. ए टू डी भी यहाँ पे क्या है वन. सो ए से हम डी के ऊपर जा सकते हैं. ये जो रहता है ना रो टू द कॉलम सो रो का कॉलम एलिमेंट लेके कॉलम की तरफ. बी से ए बी से ए ए जे के यहाँ पे नहीं है जीरो. बी टू बी अगेन इट इज ए जीरो. बी टू सी यहाँ पे वन है मतलब बी टू सी हम जा सकते हैं. देन बी टू डी जीरो है. सी से चेक करो सी टू ए प्रेजेंट है यहाँ पे सी टू ए सी टू ए चेक करो ना सी से ए है ना यहाँ पे वन. डायग्राम वो तो डायग्राम बना रहे हैं हम पहले डायग्राम गिवन था और मैट्रिक्स बनाया था अब हम मैट्रिक्स से डायग्राम बना रहे हैं. तो यहाँ पे सी टू ए वन है क्या चेक करना है तो यस यस है तो मतलब यहाँ पे एज बनाना पड़ेगा. तो ये एस तो सी टू ए सी टू ए मतलब ये वाला आएगा. अब देखो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन था तो उसी के ऊपर दो एरो नहीं बनाए
एक लाइन के ऊपर दो एरो नहीं बनाना है, फिर आप सेपरेट दूसरा लाइन बना लो अगर सी सी टू ए जाना है तो। नेक्स्ट सी टू बी है क्या यहाँ पे, वन सी टू बी है ना, वन तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी टू बी, सी टू बी एरो कैसा रहेगा टूवर्ड द बी, सी टू बी। देन नेक्स्ट सी टू सी जीरो, सी टू डी, सी टू डी यहाँ पे वन है मतलब सी से हम डी के ऊपर एज प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट डी टू ए, डी टू ए वन है मतलब डी से हम ए के ऊपर जा सकते हैं, इट इज ए डी टू ए एज। डी टू बी यस वन लिखा हुआ है, सो डी टू बी ये है वन, डी टू बी। डी टू सी अगेन यहाँ पे वन है, डी टू सी। सो ये हो जाएगा डायग्राफ फॉर अवर गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल से है, सपोज अगर आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉ द अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ जी करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने वर्टेक्स सपोज ले लिया वी वन वी टू वी फोर। अब इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए मैं वी फोर वर्टेक्स को यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। सो हियर वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, वी वन टू वी वन यहाँ पे वन लिखा है, दैट मीन्स देयर इज अ लूप, सो वी वन टू वी वन ये बनाएगा। वी वन टू वी टू, वी वन टू यहाँ पे ना टू होना चाहिए था, ये थ्री गलती से लिखने में आ गया। वी वन टू वी टू कितना है टू, सो टू मतलब ये हो जाएगा वी वन से वी टू जाने के लिए टू पाथ है। देन वी टू टू वी वन ये कितने टू, बट अनडायरेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी टू लिख दिया। देन वी टू टू वी थ्री ये वन, नेक्स्ट है वी टू से वी फोर ये वी थ्री टू वी टू, वी थ्री टू वी टू ये ज्वाइन किया हुआ है। देन वी थ्री से वी थ्री ये टू लिखा है, मतलब वी थ्री के ऊपर ये एक लूप ये दूसरा लूप। वी थ्री से वी फोर टू लाइन्स है, सो एक और ये दो। वी फोर से वी वन वी टू ये एक लाइन और इधर जाने के लिए दो लाइन। सो अनडायरेक्टेड के लिए सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हो जाएगा अनडायरेक्टेड का ग्राफ। सपोज अगर आपके पास में अनडायरेक्टेड के जगह पे डायरेक्टेड वर्ड होता था, ये ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ, ड्रॉ डायरेक्टेड ग्राफ। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को मैं सेम रखती हूँ, सपोज अवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज वन टू जीरो जीरो टू जीरो वन वन जीरो वन टू टू जीरो वन टू जीरो। अब डायरेक्टेड अगर ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन मैटर करेगा, तो दैट्स वाई हियर सपोज वी टेक वर्टेक्स वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर। वी वन से वी वन वन लिखा है, मतलब यहाँ पे वी वन से वी वन ये लूप प्रेजेंट रहेगा। वी वन से वी टू टू पाथ लिखे, तो ये वी वन से वी टू इस पाथ से चले गए, फिर से दूसरा पाथ है वी वन से वी टू। देन वी टू टू वी टू यहाँ पे टू, वी टू टू वी वन, वी टू से वी वन ये एक पाथ, वी टू से वी वन ये दूसरा पाथ। यहाँ पे अलग अलग चार लाइन है। देन वी टू से वी थ्री, वी टू टू वी फोर यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो वी थ्री से वी सॉरी वी थ्री से वी टू ये वन है, तो वी थ्री से वी टू ये वन एंड वी थ्री से वी वी थ्री टू है, सो ये एक लूप ये दूसरा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, वी टू टू वी वी थ्री टू वी फोर टू लाइन्स, तो वी थ्री से वी फोर ये टू लाइन्स। नेक्स्ट इज वी फोर, वी फोर टू वी वन जीरो, वी फोर से वी टू जाने के लिए एक वन है, सो ये आएगा वी फोर से वी टू वन, इस वर्टेक्स को कनेक्ट होगा। नेक्स्ट इज वी फोर से वी थ्री टू पाथ से, वी फोर से वी थ्री ये एक और ये
मतलब इस डायरेक्टेड ग्राफ में आपको सारे सेपरेट सेपरेट निकालने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज सपोज द गिवन डायग्राफ इज दिस वन ए बी सी डी। आपके पास में ये डायग्राफ गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो टू फाइंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स वी टेक मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू फोर वर्टेक्स है तो वी गेट अ 4x4 मैट्रिक्स। ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर होगा 4x4। ए टू ए नो लूप, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, देन बी से ए, बी से बी, बी टू सी, बी टू डी, देन नेक्स्ट सी से चेक करो, सी से ए डायरेक्ट एज नहीं है, सी से बी यस क्योंकि यहाँ पे क्या है ये वाला एज है, सी से सी नो लूप, सी टू डी जीरो, देन डी से चेक करो, डी टू ए, डी टू बी, डी टू सी, तो डी टू सी यहाँ पे आएगा वन बिकॉज डी टू सी ये एज प्रेजेंट है और डी टू डी जीरो। सो दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर अवर गिवन डायग्राम। सपोज कंसिडर ये एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर टर्म है ना, हियर मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर लेती हूँ। दिस इज आवर वर्टेक्स वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कुछ इसी तरह से दिखेगा। और एक सपोज अगर हम यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेते हैं दिस वन, सो दिस इज अवर अनडायरेक्टेड ग्राफ और इसका मुझे फाइंड आउट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो गिवन ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, इन ए गिवन ग्राफ टोटल 4 वर्टेक्स हैं। अगर ग्राफ के अंदर 4 वर्टेक्स हैं तो वी गेट 4x4 मैट्रिक्स। सो सबसे पहले क्या करोगे, ए मैट्रिक्स आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है इसका, तो ये जो वर्टेक्स है इसको आप यहाँ पे कॉलम में लिख दो एज वेल एज इन्हीं वर्टेक्स को रो के फॉर्म में लिख दो। तो हियर वी वन, वी टू, वी थ्री एंड वी फोर। अब डेफिनेशन क्या कहती है, अगर वहाँ पे एज प्रेजेंट है तो मार्क करोगे 1, अगर एज प्रेजेंट नहीं है तो मार्क करोगे 0। सो हियर ये इसका मतलब है वी वन से वी वन, तो ये रो से हम जा रहे कॉलम पे, दैट मीन्स वी वन टू वी वन, ये ऐसा एज इसके अंदर नहीं है। वी वन से वी वन का मतलब होता है लूप, ऐसे लूप इस डायग्राम के अंदर नहीं है, सो इट इज़ ए 0। वी वन से वी टू एज कनेक्टेड है, ये वी वन से वी टू यहाँ पे एज प्रेजेंट है, सो इट इज़ ए 1। वी वन से वी थ्री, वी वन से वी थ्री देयर इज़ अ नो एज, सो इट इज़ ए 0। वी वन से वी फोर, तो यस वी वन से वी फोर ये एक है, दूसरा यहाँ से भी जा सकते हैं, मतलब देर आर टू एजेस, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ये आ जाएगा 2। अगर आपने ये वाला एज यहाँ पे लिया ही नहीं होता, सपोज ये डायग्राम इसी तरह से होती थी तो यहाँ पे आ जाता था 1। सो बस आपको इतना याद रखना है कि जब हमारे पास में अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के तरफ जाने के लिए अगर एज है, मतलब ये कनेक्टेड है, तो देन वैल्यू इज 1, अदरवाइज 0। अब अगर दो एजेस आते हैं तो यहाँ पे 2 लिखोगे, अगर यहाँ पे सिर्फ वी वन से वी फोर एक ही एज है तो यहाँ पे आएगा 1। ना हियर वी टू टू वी वन, वी टू टू वी वन एज है, वी टू से वी वन, वी टू टू वी टू नो लूप, वी टू टू वी थ्री यस, वी टू से वी थ्री एज प्रेजेंट है एंड वी टू से वी फोर के लिए भी कनेक्टेड है, सो इट इज अगेन 1। नेक्स्ट इज वी थ्री, अब वी थ्री से वी वन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वी थ्री से वी टू कनेक्टेड है ये वाला एज, वी थ्री से वी थ्री ये नहीं है बट वी थ्री से वी फोर कंटेन है। ना वी फोर से अगर चेक करते हैं तो वी फोर टू वी वन है, वी फोर से वी टू भी है, वी फोर से आप वी वन जा सकते हैं, यहाँ पे वी टू भी है एज वेल एज वी थ्री भी है, बट नो एज फॉर वी फोर टू वी।
सो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.